इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में। काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। कल इसकी लास्ट डेट है, 11 अप्रैल क्या है इसकी लास्ट डेट है। तो अगर जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं, किस लेवल की हैं, किस ग्रुप की हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप ए की देख लेते हैं पहले, पोस्ट कौन कौन सी हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी एक एडमिनिस्ट्रेशन में है, एक एकेडमिक्स में, दोनों पे लेवल 10 की हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग पे लेवल 10, अकाउंट्स ऑफिसर ये भी पे लेवल 10। तो पांचों जो पोस्ट हैं पे लेवल 10 की हैं। कितनी वैकेंसीज हैं, 18, 16, 8, 22 और 3। अपनी कैटेगरीज के हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ पर जनरल 10, 7, 5, 11 और 3 हैं, एंड EWS में 1, 1 यहाँ पर नील है, 2 और नील है। OBC नॉन क्रीमी लेयर में 4, 4, 2 ये आप देख लीजिए, ठीक है अपने हिसाब से। देन ग्रुप बी की पोस्ट है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, एंड ग्रुप सी में अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर में 17 पोस्ट हैं, जूनियर ट्रांसलेशन में 7 पोस्ट हैं, अकाउंटेंट पे लेवल 4 में 7 पोस्ट हैं, एंड जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल में 20 पोस्ट हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्रुप ए की हमने बताई है, तो PWD स्टूडेंट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप ए में कौन कौन सी पोस्ट रिजर्व हैं। तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी अकेडमिक्स में 1 पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में भी 1 पोस्ट है, ग्रुप बी में जूनियर इंजीनियर में 1 पोस्ट है, ग्रुप सी में अकाउंटेंट में 1 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट में 1 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर SC शेड्यूल कास्ट ये फुल फॉर्म दे रखी है। अगर इसके बाद बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो वो 12 मार्च से शुरू हुए थे और कल लास्ट डेट है, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो टोटल पोस्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की 18 पोस्ट बताई हैं हमने, असिस्टेंट सेक्रेटरी अकेडमिक्स में यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की 1 पोस्ट है, हिंदी की एक सब सब्जेक्ट की यहाँ पर 1-1 पोस्ट है, टोटल 16 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में 8 पोस्ट हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AI की 2 हैं, एग्रीकल्चर 1-1, फूड न्यूट्रिशन BFSI एंड मार्केटिंग 2, टूरिज्म 1, ब्यूटी एंड वेलनेस 1। देन इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में यहाँ पर भी टोटल 22 पोस्ट हैं, अकाउंट्स ऑफिसर में 3, जूनियर इंजीनियर में 17, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में 7, अकाउंटेंट में 7 एंड जूनियर अकाउंटेंट में 20 पोस्ट हैं। यहाँ बात आती है रिजर्वेशन की, तो SC ST OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हैं एंड सेंट्रलिस्ट में जो भी आते हैं, EWS PWD ESM ये क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इनके लिए रिजर्व पोस्ट रहेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पोस्ट है। एंड यहाँ पर फिर जो सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC नॉन क्रीमी लेयर का सेंट्रल लिस्ट का, तो वो क्या है, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये सर्टिफिकेट के बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, किस अथॉरिटी का बनना चाहिए, ठीक है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो क्या मांगी है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ग्रुप ए की पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी अकेडमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए और नेट या सिलेट आपका होना चाहिए, ये इसेंशियल है। डिजायरेबल में MEd होनी चाहिए, हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन PG होनी चाहिए, BEd और नेट सिलेट होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, BEd होना चाहिए और नेट सिलेक्ट होना चाहिए। अकाउंट्स ऑफिसर में आपकी स्टडी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स से या कॉमर्स से, अकाउंट्स से या फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज या कॉस्ट अकाउंटिंग से, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी SAS JAOC
एग्जामिनेशन जो कंडक्टेड बाय एनी काउंट ऑडिट सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर यह एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, ये और लगाकर बोला गया है। आगे जूनियर इंजीनियर में बीई होना चाहिए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, लेकिन वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए AICTE से। देन इसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए मास्टर से डिग्री मांगी है, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए विद इंग्लिश के साथ, ये कंपलसरी है। देन इसके बाद अकाउंटेंट, इसके लिए इकोनॉमिक्स कॉमर्स अकाउंट्स फाइनेंस बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए, इंग्लिश में 15 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। जूनियर अकाउंटेंट 12th क्लास से है, तो आपकी 12th में क्या है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमर्स या एंटरप्रेन्योर्स या टैक्सेशन कॉस्ट अकाउंटिंग होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर SC ST को रिलैक्सेशन है 5 साल का, एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWD को 10 साल का, PWD जो SC ST का और या वुमेन है उनको 15 साल का, तो ये एज लिमिट दी गई है, वुमेन को 10 साल का रिलैक्सेशन मिला है। एग्जामिनेशन फीस ग्रुप ए पोस्ट के लिए 1500 रुपये है जो BC EWS अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, BC के लिए 800 रुपये हैं। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन रेगुलर CBSE एम्प्लॉयज के लिए कोई फीस नहीं है, वुमेन किसी भी कैटेगरी की हो उसके लिए फीस यहाँ पर नहीं है। मोड है पेमेंट की, ऑनलाइन मोड में आपको पे करना है। देन इसके बाद यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट हैं ब्लाइंड हैं या जिनको स्क्राइब की ज़रूरत है वो पहले से ही यहाँ पर फॉर्म में फिल कर देना। देन सिलेबस क्या है, Tier 1 जो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन कैडर के लिए है, तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का होगा, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, देन मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 30-30 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मतलब मैथ्स है और 30 मार्क्स की हिंदी कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन स्किल है, तो 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश और 30 नंबर का कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। देन इसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, Part 1 में करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, टोटल मार्क्स 160 का है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। देन एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इनसे रिलेटेड 80 मार्क्स का होगा, और 40 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी गवर्नेंस और एससी राइटिंग 40 मार्क्स का होगा, टोटल 320 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, घंटा कितने मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे। देन इसके बाद 80 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। देन असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए यहाँ पर 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का 2.5 घंटे का पेपर होगा, देन रिटर्न, देन इंटरव्यू। देन अकाउंट्स ऑफिसर के लिए ये सिलेबस है, आप इसको रीड आउट करते जाना, यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर पूरा बताएंगे तो काफ़ी आपका भी टाइम जाया होगा और प्लस वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से जो आपकी कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, देन अकाउंटेंट है, इसके बाद अगर चले तो जूनियर अकाउंटेंट है। क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टेड एंड फाइनल सेलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर 50% Tier 1 में आना चाहिए, OBC का 45, SC ST PWD का 40, देन Tier 2 का भी सेम है 50, 45, 40। ठीक है, पोस्ट यहाँ पर दे रखी है एंड स्किल टेस्ट है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ कहाँ मांगा है तो वो देख लेना। सेंटर यहाँ फिल कर सकते हो, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज, देहरादून। मार्किंग स्कीम क्या है, 2 मार्क्स मिलेंगे एक सही आंसर के लिए और 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, डिडक्ट होगा। MCQ आएंगे Tier 1 में एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पर आप ये रीड आउट कर सकते हो। ठीक है,
तो आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर अनफेयर मींस प्रैक्टिस के लिए ये सजा होगी, ये सब लिखा हुआ है जनरल ये इंफॉर्मेशन से। तो ये है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो कल लास्ट डेट है इसकी, लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को फिल कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अगर कुछ चीज़ें मिलती हैं। ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट किस तरह के होने चाहिए, ठीक है। ये SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल लेवल का। परफॉर्मा दिखा रखा है ये सारा। तो यहाँ पर इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये सारा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने यहाँ पर बताया है। ये डिक्लेरेशन फिल करने के लिए किस तरह से फॉर्म फिल करना है, PWD में कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर का कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने आपके को यहाँ पर बताए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब लास्ट डेट कल है, तो फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। तो जो अगर कोई भी अभी भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक ध्यान रखें, थैंक यू, हैव अ गुड डे।